पांच शहर के पांच चर्चित चेहरे। नक्सली साजिश का कनेक्शन, और पीएम मोदी की हत्या का प्लान। पीएम मोदी का दुश्मन कौन? अब तक जंगल और दूर दराज के गांव से नक्सली हिंसा की खबर आती थी, लेकिन अब सामने आई है शहर में रची गई नक्सली साजिश की एक चौंकाने वाली कहानी। ये साजिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की, और इस साजिश के आरोप में फंसे हैं अलग अलग शहरों के चर्चित लोग। सच्ची घटना में आज देखिए आखिर ये शहरी नक्सली की साजिश कैसी थी, और कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान के दुश्मन। पांच शहरों में महाराष्ट्र पुलिस की छापेमारी, पांच शहरों से पांच चर्चित चेहरों की गिरफ्तारी, पांच शहरों में फैले नक्सली नेटवर्क का सच क्या है? ऐसी कौन सी साजिश थी जिसके निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस साजिश का इन पांच शख्सियत से कनेक्शन क्या है? पिछले 24 घंटे से इस सवाल ने पूरे देश में तूफान खड़ा कर रखा है, और सवालों से घिरी महाराष्ट्र पुलिस खामोश है, क्योंकि इन पांच लोगों को गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने एक बेहद खतरनाक साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। ऐसी साजिश जिसके निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुणे पुलिस के दावों पर यकीन करें तो प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं नक्सली संगठन। पुलिस का दावा है कि नक्सली संगठन मौका मिलते ही पीएम मोदी पर करना चाहते हैं आत्मघाती हमला। पुलिस की तहकीकात में कहा गया है कि इस साजिश के तार देश के कई शहरों तक फैले हुए हैं। साजिश में ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी पहचान शिक्षाविद, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रही है। इस साजिश के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में हुआ पुणे पुलिस का सीक्रेट ऑपरेशन। ये ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ था जिन पर पुलिस को नक्सलियों से संबंध रखने का शक है। लेफ्ट विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। पीएम मोदी के खिलाफ रची जा रही साजिश की पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले उन लोगों के बारे में जान लीजिए जिन्हें पुणे पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों से पिछले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किया है। उनमें से पांच लोगों के नाम हैं: कवि और एक्टिविस्ट पी वरवर राव, वकील और सिविल राइट वर्कर सुधा भारद्वाज, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा और सिविल राइट एक्टिविस्ट वर्नन गोंसाल्वेस। नक्सल कनेक्शन में इन सभी लोगों की गिरफ्तारी का मामला आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज शाम करीब 5 बजे हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन पांचों को पुलिस रिमांड पर भेजे जाने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई तक नजरबंद रहेंगे ये पांचों आरोपी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को नोटिस इश्यू किया है, और साथ में ये आदेश दिया है इन पांच लोगों को जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको पुलिस कस्टडी में ना ले जाए, और उनको अपने घर पर ही ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के घर पर हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। इस केस की अगली सुनवाई अगले थर्सडे यानी एक हफ्ते में होगी। इस बीच में सरकारों को अपना जवाब देना है। कोर्ट के आदेश से जिन पांच लोगों को नजरबंद किया गया है वो कोई मामूली लोग नहीं है। उनमें से कोई शिक्षाविद या सामाजिक कार्यकर्ता है तो कोई नामी वकील है, लेकिन आरोप है कि सबका कनेक्शन
नक्सलियों से है और वो पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। ये हैं हैदराबाद के रहने वाले पी वरवर राव। ये वो शख्स हैं जिनकी पहचान एक कवि, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रही है। वरवर राव की कुछ तेलुगु कविताएं खूब लोकप्रिय हुई और ये जन कवि के तौर पर जाने जाते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साहित्य में मास्टर की डिग्री ले चुके वरवर राव की 15 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी एक किताब इमेजिनेशन लेटर्स फ्रॉम प्रिजन काफी चर्चित रही है। कवि वरवर राव हमेशा विवादों से भी घिरे रहे। उन पर अक्सर ये आरोप लगता रहा कि वो नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। साल 1973 से 1975 के दौरान वो जेल जा चुके हैं। उन्हें मंगलवार तड़के जब हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया तो उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में लोग नारेबाजी पर उतर आए थे। तो केवल सेक्शन ही बताया, जो एग्जैक्ट एलिगेशन क्या है बोल के वो अभी तक नहीं बताया, वो कोर्ट को भी नहीं बताया। ये क्राइम में ये यूएपीए के खिलाफ ये सेक्शन है, उसके बारे में हम ये अरेस्ट ले रहा इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमको वो ना बोल के अरेस्ट करके लेके गए। कवि वरवर राव के घर पर छापेमारी इसलिए की गई क्योंकि इसी साल जून में एक आरोपी रोना विल्सन के घर से मिली एक चिट्ठी में उनका नाम था। उस चिट्ठी में राजीव गांधी की हत्या जैसी प्लानिंग का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात लिखी थी। उस चिट्ठी का मजमून कुछ यूं था, मोदी 15 राज्यों में भाजपा को स्थापित करने में सफल हुए हैं, अगर ऐसा ही रहा तो सभी मोर्चों पर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कॉमरेड किशन और कुछ अन्य सीनियर कॉमरेड ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं, ये आत्मघाती जैसा मालूम होता है और इसकी भी अधिक संभावनाएं हैं कि हम असफल हो जाएं। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे, उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। हमें लगता है कि पार्टी का अस्तित्व किसी भी त्याग से ऊपर है। 8 जनवरी 2018 थरो इन्वेस्टिगेशन वाज कंडक्टेड दैट लेड टू हाईली इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस लाइक ईमेल्स, लेटर्स, मिनट्स, रिजोल्यूशंस ऑफ द मीटिंग्स एंड अदर एलैबोरेट कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ बैंड सीपीआई माओइस्ट पार्टी एंड द अरेस्टेड अक्यूज्ड। द एविडेंस कंक्लूसिवली पॉइंट्स टू द डिलीबरेट इन्वॉल्वमेंट एंड मेजर रोल प्लेड बाय वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंसाल्विस, सुधा भारद्वाज एंड गौतम नवलखा। द एविडेंस ऑल्सो इन्वॉल्व्स अदर डिटेल्स लाइक प्रोविजन ऑफ फंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू दीज अर्बन नक्सल्स इन रेडिकलाइजिंग द यूथ्स। ऑल्सो दे आर एक्टिवली एंड डिलीबरेटली इन्वॉल्व इन द अनलॉफुल एक्टिविटीज विच लेड टू द वायलेंस एंड किलिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल एंड इनोसेंट सिविलियंस। इस कथित चिट्ठी ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे लंबी पूछताछ के आधार पर करीब 250 ईमेल की छानबीन हुई थी। खबरों के मुताबिक चिट्ठी से मिले सुराग के आधार पर ही मंगलवार को मुंबई से सटे ठाणे में भी छापेमारी हुई। ठाणे में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा को भी हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र पुलिस का अगला टारगेट था लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता वर्नन गोंसाल्विस। मुंबई में कॉमर्स के प्रोफेसर रहे वर्नन गोंसाल्विस की तलाश में पुलिस ने पहले दादर में उनके घर में छापेमारी की और फिर अंधेरी से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये पहला मौका नहीं है जब वर्नन गोंसाल्विस को नक्सली साजिश के शक में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले साल 2007 में भी उन्हें संगीन आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। करीब 6 साल जेल में रहे और 2014 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
इस सीक्रेट ऑपरेशन के तहत पुणे पुलिस की एक टीम रातों रात गोवा भी पहुंच चुकी थी। गोवा में आनंद तेल तुम्बटे के घर छापेमारी की गई और फिर नक्सली संगठनों से सहानुभूति और संबंध रखने के आरोप में आनंद तेल तुम्बटे पर भी पुलिस का शिकंजा कस गया। पुलिस ने काफी देर तक उनसे पूछताछ की, हालांकि अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। अलग अलग शहरों से गिरफ्तार कवि वरवर राव, अरुण फरेरा और वर्नन गोंसाल्विस को महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी के दौरान वरवर राव समेत सभी आरोपियों ने महाराष्ट्र पुलिस पर कई आरोप लगाए। ये लोग कल सुबह 6 बजे तलाशी के लिए आए, सारे दस्तावेज मराठी में थे, उस पर उन्होंने मेरे हस्ताक्षर ले लिए। मुझे ये नहीं बताया गया था कि उन दस्तावेजों में क्या है, मेरी पत्नी का फोन भी रख लिया गया था। मैंने पुलिस को कहा था कि जो फाइल सीडी पेन ड्राइव मुझसे ली गई हैं, उनकी एक कॉपी मुझे दे दी जाए, मुझे डर है कि उनमें वो कुछ गड़बड़ी न कर दें। वहीं वर्नन गोंसाल्विस ने अपनी बीमारी का हवाला दिया। मेरा ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था और मुझे डॉक्टर की देखरेख में रखा गया था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चेकअप हर 24 घंटे में किया जाए। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए। इसके जवाब में सरकारी वकील ने आरोपों की फहरिस्त पढ़कर सुना दी। सरकारी वकील ने उस चिट्ठी के बारे में भी कोर्ट को बताया जिसमें पीएम मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र किया गया था। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सब गलत हैं। हर चीज की वीडियो शूटिंग हो चुकी है। वर्नन गोंसाल्विस 2007 के यूएपीए केस के दोषी हैं। नागपुर कोर्ट ने उन्हें 7 साल के लिए जेल भेजा था। ये केस सरकार के खिलाफ भड़काने की साजिश है। ये सीपीआई माओवादी संगठन एक पिरामिड की तरह काम करता है। पुलिस ने जो दस्तावेज बरामद किए हैं उससे साजिश की कहानी का साफ पता चलता है। सरकार के खिलाफ ये साजिश पूरे भारत में काम कर रही थी। महाराष्ट्र में एल्गर परिषद भी इसी के लिए बनाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया था। वो है गौतम नवलखा और सुधा भारद्वाज। उन दोनों ने मंगलवार को ही अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दे दी थी और फिलहाल वो अपने ही घर में नजरबंद हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र से आई पुलिस की एक टीम ने अचानक यहां छापा मारकर सुधा भारद्वाज को हिरासत में लिया था। सुधा भारद्वाज की पहचान एक वरिष्ठ वकील की है और वो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी है। सुधा भारद्वाज छत्तीसगढ़ में ट्रेड यूनियन और नागरिक अधिकार संगठनों से जुड़ी हुई हैं। सुधा की प्राइमरी शिक्षा इंग्लैंड में हुई। ये 1978 की आईआईटी कानपुर की टॉपर हैं। जन्म से अमेरिकी नागरिक थी लेकिन उन्होंने नागरिकता वापस कर दी। सुधा की मां कृष्णा भारद्वाज जेएनयू में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की डीन हुआ करती थी। सुधा भारद्वाज साल 2000 में वकील बनी। 2007 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वकालत कर रही हैं। मंगलवार सुबह महाराष्ट्र पुलिस सुधा भारद्वाज के फरीदाबाद में ईरोस गार्डन के घर पहुंची। करीब 5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया। Tomorrow is 30, so she'll be produced before the High Court. Until then, she is under our supervision, and media persons would be barred from talking to her, so that no issue is being made out. But she can meet her advocates and all, and she should give us the proper list of the advocates she want to meet, and there is no barring that. पुलिस के साथ साइबर एक्सपर्ट भी थे जिन्होंने सुधा और उनके परिजनों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स के अलावा कंप्यूटर भी खंगाले। महाराष्ट्र पुलिस ने घर से एक पेन ड्राइव, 2 मोबाइल फोन, 1 मॉडम, 1 राउटर, लैपटॉप, बैंक अकाउंट संबंधी दस्तावेज, आईटी फॉर्म 16, कुछ पत्रिकाएं और डायरियों को भी जब्त किया है। हालांकि सुधा भारद्वाज ने अपनी गिरफ्तारी को किसी साजिश का नतीजा बताया है। इनका आरोप है कि पुलिस ने इनके लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त किए हैं और ईमेल के पासवर्ड भी हासिल कर लिए हैं, लिहाजा पुलिस अब उनके खिलाफ कोई भी झूठा सबूत खड़ा कर सकती है। मोबाइल, माय लैपटॉप, माय पेन ड्राइव हैव बीन सीज्ड बाय द पुलिस
and I'm pretty sure and I really apprehend that they're going to play around with my data. My Gmail password has been taken, my Twitter password has been taken. I really don't know what they're going to do with all that. Yesterday when she was produced before the judicial magistrate, Ms. Sakshi Saini, the magistrate was unable to read the Marathi language. Then she ordered the Pune police to get the things translated. And Pune police only translated the report, basically, which they formed after filing of the FIR. The FIR was not translated by the Pune police, despite the fact that the magistrate ordered for translation. Sudha Bhardwaj, National Law University mein विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा चुकी हैं। जुलाई में देश में कश्मीर जैसे हालात बनाने की चिट्ठी लिखने का उन पर आरोप लगा था। उन पर माओवादियों से पैसा लेने का आरोप लगा। ऐसे ही आरोपों से घिरे हैं दिल्ली के गौतम नवलखा। दिल्ली में मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा के घर में भी महाराष्ट्र पुलिस ने छापेमारी की और उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन गौतम नवलखा की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ही रोक लगा दी थी। इसके बाद गौतम नवलखा को उनके घर में नजर बंद रखा गया। गौतम नवलखा के घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं। इस बीच पांचों लोगों की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हियरिंग के दौरान उनमें से कुछ जजों ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने खास कर ये बोला, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को स्टेट अरेस्ट कर रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप डिसेंट को, आप अपने जो लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों के अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप साइलेंस करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने बेबुनियाद आरोपों के आधार पर गौतम नवलखा और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपों का सिलसिला 8 महीने पहले महाराष्ट्र के भीमा कोरे गांव की हिंसा से शुरू हुआ था। नक्सली कनेक्शन के आरोप में पकड़े गए 5 लोगों की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 5 आरोपी फिलहाल नजरबंद है और इस केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।